आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुभद्रा परमार के नेतृत्व में महिला कांग्रेस पदाधिकारी और महिला कार्यकर्ताओं ने बड़वानी कलेक्टर कार्यालय पहुंच राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन। जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस सुभद्रा परमार के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में राज्यपाल से मांग की गई है प्रदेश सरकार को बर्खास्त करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में महिला और बच्चियों पर होने वाले अपराध में देश में मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर है। वहीं भाजपा सरकार महिला बच्चियों और आदिवासियों पर होने वाले अपराध को रोकने में नाकाम है, इसलिए मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेकर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग राज्यपाल से की गई है। इस दौरान महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थी। बड़वानी से रेखा विष्णु बंडे, अजीत कौर तलुजा पूर्व नपा उपाध्यक्ष आदि कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता उपस्थित थे। वह इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। मैं बड़वानी महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुभद्रा परमार, आज यहाँ कलेक्ट्रेट ज्ञापन देना है। आज हम यहाँ प्रदेश सरकार में महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ अपराध हो रहे, उस संबंध में प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था भी ठप्प हो रखी है, उस संबंध में हम यहाँ कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए कि यह अपराध कम होना चाहिए। ज्ञापन दिया आप लोगों ने? हाँ जी हाँ। किसके नाम से दिया? राज्यपाल के महोदय। मांगे है कि शिवराज सरकार हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उन पे हो रहे अत्याचारों को बंद करें, ताकि हमारे यहाँ पर है ना जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। शिवराज मामा खुद को तो मामा कहलाते हैं, पर उनके भांजियों पे अत्याचार से रोकते नहीं है।